पार्ट को फाइनली करेंगे, मतलब कि लास्ट पार्ट। और यहाँ पे जो है हम लोग जो क्लोथ्स है उसे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिए। और यहाँ पे जो है मैंने ब्लू कलर और एक पर्पल कलर लिया है, और दो पेंसिलों का उपयोग किया है यहाँ पे, और शेडिंग करते जा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं है शर्ट, लाइट लाइट सा है, तो बहुत ही आराम से मैं कर रहा हूँ शेडिंग। तो देख सकते हो मैं किस तरह शेडिंग कर रहा हूँ, और एक के बाद एक लेयर देना है आपको, तो उसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो जल्दबाजी कभी भी नहीं करना है, देख सकते हो किस तरह से रिजल्ट, और एकदम से लाइट लाइट है इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी तरह के प्रोसेस होने वाली आगे भी, तो पूरा वीडियो एंड तक के देखिए, और वीडियो देखने के बाद बना के ज़रूर देखना, तभी जो है आपका जो शेडिंग है काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो पोस्ट शेडिंग करने की कोशिश करते जाइए, और फिर देखिए कि रिजल्ट किस तरह से आता है। तो चलिए देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए, और जैसे ही आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। तो चलिए देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए दोस्तों।